नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई भय ही नहीं रहा। इस बात का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है, जब रविवार रात को 3 नकाबपोश बदमाशों ने रेवाड़ी की अनाज मंडी स्थित एक सैनिटरी शॉप में घुसकर पहली मंजिल पर बने व्यापारी के घर में पिस्टल की नोक पर व्यापारी और उसके परिवार को बंधक बनाकर अलमारी में रखे 7,00,000 रुपए लूट लिए और मौके से बेखौफ होकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल कर जांच में जुटी है। इस वारदात से यहां के व्यापारी दहशत के माहौल में नजर आ रहे हैं। पीड़ित व्यापारी और उसके बेटे की माने तो रविवार को पूरा दिन बारिश होती रही, जिसके चलते वे रात करीब 8:30 बजे दुकान की पहली मंजिल पर बने अपने घर में बैठे थे। तभी उनकी डोरबेल बजी और जब नीचे दुकान पर जाकर देखा तो कोई नहीं था और वे दुकान का शटर बंद करने लगे, लेकिन पास में छिपे 3 नकाबपोश बदमाश जबरन दुकान में घुस आए और पिस्टल की बट मार कर वे इसे ऊपर ले गए और हाथ पैर बांध कर सभी को एक कमरे में बंद कर जान से मारने की धमकी देकर इनसे अलमारी की चाबी ले ली और उसमें रखे करीब 7,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी। 15 मिनट में पुलिस यहां पहुंच गई और जांच में जुट गई। पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ नहीं बोलना चाह रही है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नवीन सर। नवीन जी, कैसे क्या हुआ जो रात को डकैत हुई? ये हम ऊपर थे सर, खाना खा रहे थे तो ये बाहर की रिंग बजी है तो मैंने ये खोल के देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ये शटर बाहर वाला बंद करने लगा तो एक ने अंदर पांव अड़ा के तीनों बढ़ गए, एक ने फिर ये पीछे में मार के अंदर घीस ले गए और ये शटर बंद कर दिया, लाइट यहाँ की ऑफ कर दी गई। फिर वहाँ मेरे मुंह पे मतलब टेप वगैरह सारी चीज़ें लगा के और पीछे हाथ बांध के फिर दो वो को ऊपर भेज जाए कि ऊपर देखो जाके, तो फिर ऊपर जाके फिर एक बंदा आके फिर दोनों बंदे मेरे को ऊपर लेके गए। फिर ये इस फर्स्ट वाले रूम में हमें बैठा के मतलब इनसे चाबी मांगी कि मतलब चाबी दे दो नहीं तो हम जान से मार देंगे। फिर हमने चाबी दे दी सर, फिर वो जो कैश वगैरह थे वो लेके चले गए। कितना कैश ले गए? 7,00,000 के आसपास था सर। कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। सभी ने मुंह बंद रखे? सब ने मुंह बंद रखे थे। दो के हाथ में पिस्टल थी, वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब पिस्टल से कट्टा। पुलिस किस टाइम आई? पुलिस सर आ गए थे 10-15 मिनट। सर कैसे क्या हुआ रात को? सर ऐसे ही था, ये लड़का जैसे नीचे आया शटर घंटी बजी, जब शटर बंद करने के भी कोई है चलो देख लेता हूँ, शटर बंद करने लगे तो इनके सिर में मार दी और इनके टेप वेप लगा के पिस्टल के लगा के ऊपर ले गए। वहाँ मैं भी बैठा दिया का चुप रहो नहीं तो भाई गोली चला दें और हमें जो ले जाना है वो चुपचाप ले जाने दो, आप या तो बता दो या अलमारी की चाबी दे दो। हमने अलमारी की चाबी दे दी, उन्होंने खोल के वो कैसे रखा था जी उसमें 7-7.5 लगभग सब सारे ही लेके चले गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। कितने बजे करीब घटना है सर? 8:15। पुलिस को सूचना दी? आप पुलिस को सूचना दी हमने करीब 8:30 रात घंटा तो रिलैक्स होने में ही लग गया जी। फिर फोन नीचे डाल गए, उनको ढूंढा फिर अड़ोसी पड़ोसी को फोन किया, फिर पुलिस को गए, पुलिस को करते ही 10-15 मिनट में ही पुलिस आ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।